हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेजेस आए जो कि बॉर्डर लाइन पे हैं। आपको पता है कट ऑफ का गेम बहुत ज़्यादा चल रहा है, और वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इतने दिन से इतने सारे वीडियोज़, इतने सारे एक्सपेक्टेड जो थाट्स थे, या फिर आप कह लीजिए एनालिसिस थे, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जो पूरा ब्यौरा लिया गया है, अकॉर्डिंगली सभी लोगों को एक आइडिया आ गया है। बट जब तक कि रिलीज़ नहीं हो जाता है रिज़ल्ट, जब तक कि आपको फाइनल कट ऑफ पता नहीं चल जाती है, वो डिलेमा आपके माइंड में मेंटेन रहेगा। उसका देखिए कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज है सिर्फ पेशेंस रखना, खुद को पॉजिटिव रखना, और जो एनवायरमेंट है उसको भी कुछ पॉजिटिव वाइब्स के साथ में कैप्चर करना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका कि जो प्रेडिक्शन किया जाता है वो गलत नहीं होता है। बाकी तो आयोग अभी तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है और वो कुछ भी कर सकता है, ये सब जानते हैं। तो जो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट हाँ, कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी होती हैं जो एनालिसिस बेस्ड होती हैं और वो गलत जाने के जो चांसेस हैं बहुत कम होते हैं। जैसे कि मेरिट के बारे में मैंने आपको बताया कि आपकी 83 से आप स्टार्ट कर लो, 83 पे एंड होनी चाहिए, तो वो आपकी कट ऑफ जानी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो 90s में है वो तो सेफ ही है, क्योंकि आप सब लोग मैसेजेस करते हैं, तो जब मैंने 80 बोला है तो ऑफ कोर्स 90 वाले तो एकदम से सेफ हैं, और मोस्ट प्रोबेबली होता है तो मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर देती हूँ। अब बात करते हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं। बॉर्डर लाइन वालों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बॉर्डर इन द सेंस जिनके 80 क्वेश्चन करेक्ट हैं, राइट, तो उनका ये कहना है कि क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने 80 क्वेश्चन किया है, या फिर किसी का 79 है, तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट अराउंड, बहुत ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, बट अराउंड 25% आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, और होपफुली ये आपकी अभी क्लियर भी हो जाएगी। क्योंकि जितने लोग मान लीजिए PGT में एनरोल हो जाते हैं, तो वो TGT की ऑब्वियसली सीट्स खाली होंगी। कुछ के जब आपके वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, नो डाउट बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि बाहर होंगे। गलत है उनके साथ में, गलत तो होगा ही, बट जो प्रोसेस है, जो सही है वो सही है, ठीक है। उसमें प्लीज़ कोई ऐसे कमेंट मत करिएगा, मैम आपने कैसे कह दिया ऐसे, तो ये तो एक ऑब्वियस सा प्रोसेस है भाई, सभी को पता है। अगर आप पेपर से मजबूत हैं, डॉक्यूमेंटेशन से मजबूत हैं, तभी आप सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे ना अच्छे से। तो 25% आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, वो क्लियर भी होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा बॉर्डर लाइन वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बी होपफुल, आपका भी सिलेक्शन इसमें हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल तक आपको अटका दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जो नई वैकेंसी है वो भी आने वाली है, तो इसको तो इनको कंप्लीट करना ही करना है, उसके बिना नई वैकेंसी आ नहीं सकती है। इसलिए 25% जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो रिलीज़ होगी, और ये कन्फर्म है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं, और सच बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि इतने सारे कमेंट्स पढ़ के मैं खुद परेशान होती हूँ। एक्चुअली सिचुएशन ही ऐसी है, बिकॉज कई बार मैंने खुद ने आपको अपडेट दी है कि आपका रिजल्ट आने वाला है, एंड मेक श्योर आपका जो TGT का रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपके सामने होगा, विद इन अ वीक आपके सामने होगा, उसके आगे ये बिल्कुल भी जा नहीं सकता है। कुछ रीजंस हैं, जैसे कि स्टार्टिंग से मैंने कवरेज में आपको बताया है कि किसी भी कंडीशन में आयोग भी नहीं चाहता कि वो फंसे इन द सेंस कि वो कोर्ट में जाए, या फिर किसी भी तरीके के इश्यूज क्रिएट हो, कोई कॉन्ट्रोवर्सी इससे जुड़ जाए, क्योंकि उन्हें ये एनी हाउ 31 अक्टूबर तक इसको उनको कंप्लीट करना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स। तो यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो बिल्कुल सेफर साइड पे रहना चाहते हैं, और अब बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं, ये उनकी गलती है, क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स में बहुत अफरा तफरी मच गई है भाई। ये तो एकदम ऐसी न्यूज़, मेरे पास में कई ऐसे कमेंट्स आए कि मुझे पढ़ के भी हंसी आ रही थी। उन्होंने तो अपने जो TGT का रिज़ल्ट है उसको अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेट कर दिया कि मैम ये तो एक गर्लफ्रेंड की तरह हो गई है, TGT का रिज़ल्ट ना हमें सोने देता है ना चैन से रहने देता है। सो बिल्कुल सही बात है, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा इससे पैनिक हो गए एक तरीके से, कब आएगा, सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि कब आएगा, और आपके कमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ट्रस्ट मी।
सो डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरीज रिलेटेड टू एनी डॉक्यूमेंटेशन और रिलेटेड टू दिस वैकेंसी और अपकमिंग वैकेंसी नोट्स ग्रुप वट एवर इफ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड यू वॉन्ट टू आस्क थ्रू दिस चैनल सो प्लीज टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक बिकॉज फीडबैक इज अ थिंग विच इज गोइंग टू मेक माई चैनल वेरी नाइस एंड बेनिफिशियल फॉर यू सो अपना सपोर्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा और सबसे बड़ी बात TGT का रिजल्ट जब भी आने वाला होगा आपको यहाँ से सबसे पहले अपडेट ज़रूर दी जाएगी कि हाँ TGT का रिजल्ट आ रहा है और वो एकदम कन्फर्म स्टैंप लगा के मैं दूंगी इस तरीके से नहीं दूंगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेसियस टाइम